महानायक अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार हमेशा रहता है चर्चा में। बिग बी की बेटी और बिग बी के दामाद ये फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बावजूद भी हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको महानायक अमिताभ बच्चन के दूसरे दामाद के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिग बी के दूसरे दामाद यानी एक्टर कुणाल कपूर। बता दें आपको, कुणाल कपूर अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की बेटी नैना के पति हैं। कुणाल जो अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, लेकिन अपने करियर में रंग दे बसंती, लागा चुनरी में दाग, डियर जिंदगी और आजा नचले जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब हाल ही में कुणाल कपूर ने यानी बिग बी के दामाद ने अपनी जिंदगी को लेकर कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। कुणाल से पूछा गया, शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आया? कुणाल कहते हैं, बदलाव आए हैं, मैं पहले से बेहतर हुआ हूँ। शादी आपके लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और बुरी भी। आपका पार्टनर आपके अंदर के बुरे इंसान को भी बाहर निकलवा सकता है और अच्छे इंसान को भी। नैना की बात करें तो उनकी वजह से मैं जान पाया कि मेरी कमजोरियां क्या है। इसके बाद उन्होंने मेरी कमियों को सुधारने में मदद की। मेरे जीवन में नैना का अहम योगदान है। बता दे आपको, शादी की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई कुणाल की, जबकि उनकी शादी बच्चन की बेटी से हो रही थी। इस बारे में वो कहते हैं, हाँ हमने ज्यादा शोरगुल के साथ शादी नहीं की, बड़ी शांति से की। हम दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पब्लिक में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार वालों के बीच रहे, इसलिए शायद हमारी शादी के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। फैमिली प्लानिंग को लेकर कुणाल कहते हैं, हर समय आने पर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये जब होना होगा तब होगा। फिल्मों से ज्यादा अपने परिवार को पसंद करने वाले कुणाल हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।